दोस्तों, आईफोन तो हम सभी लोगों को पसंद है, लेकिन हम सभी लोग आईफोन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और इसकी कैमरा क्वालिटी और कैमरा स्पेसिफिकेशंस तो हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन आज की वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर आईफोन कैमरा का एक्सपीरियंस ले पाएंगे, वो भी AI टेक्नोलॉजी के साथ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे मैं इसी ब्यूटी प्लस ऐप की डिटेल्स स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, इसके सभी फीचर्स कैसे काम करते वो भी मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा। और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि इस ऐप के बारे में सभी चीज़ें आप डिटेल में जान पाए। तो दोस्तों, इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और कमेंट पे पिन कर देंगे, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर पाएंगे, या फिर आप अगर चाहते तो प्ले स्टोर में जाके सर्च करके आप इसको डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैं ब्यूटी प्लस कैमरा ऐप को मेरा एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि कैसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर आप इसी ऐप को यूज करके आईफोन का ओरिजिनल कैमरा एक्सपीरियंस को ले सकते हैं। ऐप को ओपन करते ही आपको कुछ इस तरीके का फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा, और इसका UI भी काफी सिंपल एंड काफी फ्रेश लुक के साथ में आता है। और यहाँ पे आपको बहुत सारा फीचर्स देखने को मिलेगा जो भर भर के दिया गया AI टेक्नोलॉजी के साथ में। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा कैमरा फीचर्स आपको दिया गया है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप इस एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर आईफोन कैमरा एक्सपीरियंस को ले पाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक कैमरा फीचर्स देखने को मिलेगा जो है आईफोन कैमरा, आपको इस पे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी जो आपको इसके हिसाब से इनेबल कर देना है, क्योंकि अगर आप इसको इनेबल नहीं करेंगे तो ये ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं देगा। और ये इनेबल करने के बाद आपकी एंड्रॉइड कैमरा आईफोन पे कन्वर्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो नीचे यहाँ पे आईफोन कैमरे के कुछ फीचर्स देखने को मिलेगा, जैसे टाइल्स, लाइटिंग, व्हाइट बैलेंस, फील लाइट, ये सब फीचर्स आपको देखने को मिलेगा जो आप अपने हिसाब से इसको यूज भी कर पाएंगे। और यहाँ पे ऊपर भी आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेगा, जैसे कि आप अगर यहाँ पे ब्यूटी प्लस का क्लासिक कैमरा मोड को एक्सप्लोर करना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसके क्लासिक मोड को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे, और यहाँ पे उन सभी फीचर्स को यूज कर पाएंगे जो आईफोन के क्लासिक कैमरे में देखने को मिल जाता है। और ऊपर यहाँ पे क्लिक करके आईफोन कैमरे को स्विच भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स आपको इस आईफोन कैमरा मोड पे देखने को मिलेगा। और इसको इस्तेमाल करके मैंने कुछ फोटो क्लिक किया है जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फोटो की क्वालिटी बिल्कुल नेचुरल आईफोन की कैमरे की तरह आ रहे हैं, और इसकी क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है, जो मैंने एंड्रॉइड ऐप से बहुत अच्छे तरीके से क्लिक भी किया है। और ऊपर में आपको यहाँ पे कैमरे की रेशियो को चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप अपने हिसाब से जो जिस साइज का फोटो आप लेना चाहते हैं आप उसको यहाँ से क्लिक कर पाएंगे। जैसे कि फुल साइज में अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी डिस्प्ले में फुल साइज फोटो आपको मिलेगा, आप जो भी फोटो क्लिक करेंगे इस आईफोन कैमरे से आपको फुल साइज में मिलेगा। दोस्तों, मैंने एक चीज नोटिस किया है कि इसकी जो AI कैमरा फीचर्स है और जो आईफोन कैमरा फीचर्स है, ये दोनों मिलाकर एक बेस्ट डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन होती है जो आपको आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन को आईफोन पे टर्न ओवर कर देता है, और यहाँ पे आपको बेस्ट पॉसिबल फोटोग्राफी देखने को मिलता है। और इसके अलावा भी आपको यहाँ पे 1:1, 3:4, 16:9 की रेशियो देखने को मिलेगा, और ये चारों रेशियो आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करते हुए देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल फोटोग्राफी भी मिलने वाला है। और दोस्तों, इसके अलावा भी आपको इस स्मार्टफोन कैमरे के अंदर बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेगा जो ब्यूटी प्लस ऐप है उसका और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है, जैसे कि आपको मिलेगा AI फिल्टर, AI पोर्ट्रेट, आईफोन कैम, AI रिटच, कोलाज, वीडियो एडिटिंग, वीडियो रिटच, रिमूवर, मोसैक, ID फोटो, फोटो रिपेयर, AI एनहेंसर, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर आपको इसी ऐप के अंदर देखने को मिलेगा जो आपको फ्री ऑफ स्कॉप यूज भी कर पाएंगे। और ब्यूटी प्लस कैमरा AI ऐप आपको बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स आपको यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, जैसे कि आप अगर देखेंगे यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड एक्सपेंशन, हेयर एक्सप्रेशन, डार्क सर्कल, नैरो, डबल चिन और हेड साइज, ये चारों फीचर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये सभी फीचर्स आपको काफी प्रीमियम क्वालिटी के फीचर्स होते हैं जो आपको इस ब्यूटी प्लस कैमरा AI ऐप में फ्री में ऑफर किया जा रहा है। और दोस्तों, आपको यहाँ पे एक फोटो रिपेयर की ऑप्शन आएगा जिस पे क्लिक करके आप आपके किसी भी पुराने खराब फोटो को एनहेंस करके नेक्स्ट लेवल पे लेके आ सकते हो। जैसे कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे ट्राई नाउ ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप अपने डैमेज हुए फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग होगा इसकी AI टेक्नोलॉजी के साथ में, और इसको एनहेंस करके बेस्ट पॉसिबल आउटपुट प्रोवाइड करके आपको सामने रख देगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसकी पुराना वर्जन और नए में आप बहुत ज्यादा डिफरेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो AI टेक्नोलॉजी है इसको एनहेंस करके काफी इम्प्रूव किया इसकी फोटो क्वालिटी को, जो पुराने से काफी एडवांस लग रहा है। इसके सभी फीचर्स काफी कमाल का है, और इसको यूज करना भी काफी ईजी है, क्योंकि इसकी जो इंटरफेस है और इसकी जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो काफी क्विक और काफी सिंपल है, जिस तरीके से कोई भी इस ऐप को इस्तेमाल कर पाएगा आपकी एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर में। इसको छोड़ के आप अगर बात करते हैं इसकी स्पेशल AI फीचर को, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे AI के ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जैसे कि AI फिल्टर, AI पोर्ट्रेट, AI हेडशॉट, ऐसे डिफरेंट AI सिनेरियो ऑप्शन देखने को मिलेगा जो आप आपके हिसाब से यूज करके बेस्ट फोटोग्राफी ले पाएंगे। तो चलिए, मैं AI फिल्टर फीचर्स को एक्सप्लोर करके देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और इसकी जो AI फिल्टर टेक्नोलॉजी ये कैसे ऑपरेट होती है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे फोटोज एंड वीडियोज की ऑप्शन देखने को मिलेगा, और इनमें से जो भी आपको पसंद है आपको उसको चूज कर लेना है, और इसको
इसको क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली गैलरी से कनेक्ट कर देगा और आपकी अब जो फोटो को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उन फोटो की यहाँ पे चूज कर लीजिए और यहाँ पे करने के बाद ट्राई दिस फीचर्स को क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रोसेस होने लग जाएगा। तो इसको प्रोसेस एंड जनरेट होने में आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 4-5 सेकंड के टाइम लेते हैं ये प्रोसेस एंड जनरेट होने में, उसके बाद आपके सामने एआई वाला फोटो ये दिखने लगेगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो नॉर्मल फोटो था वो एआई में कन्वर्ट यहाँ पे हो चुका है और आप अगर चाहेंगे आप इस फोटो को आपकी गैलरी में सेव भी कर पाएंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ये फोटो इंस्टेंटली आपकी गैलरी में ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाएगा। इसी की तरह बाकी जो फीचर्स है उसको यूज करके आप इस तरीके से डिफरेंट टाइप की फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कर पाएंगे जो आपको किसी भी बाकी ऐप में इतनी सारी फीचर्स एक ऐप के अंदर देखने को नहीं मिलते जो इस ब्यूटी प्लस कैमरा एआई ऐप में इंस्टॉल किया गया है। तो दोस्तों ये ऐप सच में काफी कमाल का और इंटरेस्टिंग ऐप है। आप इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स पे जा सकते हैं, वहां पे पिन कमेंट पे इसको डाल दिया है और आप इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली इस ऐप के डाउनलोड पेज पे जाके डाउनलोड कर पाएंगे या फिर आप प्ले स्टोर में जाके भी इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट मी नो योर थॉट ऑन दिस एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। पीस।